हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नू स्टडी। सो गाइस, आज का वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज स्टूडेंट जिस चीज को लेकर के काफी ज्यादा पैनिक हो रहे थे, तो स्टूडेंट्स के लिए इग्नू की तरफ से उस समस्या का समाधान कर दिया गया है, जो कि आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। सो सभी स्टूडेंट वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए हुए कंटिन्यू जरूर देख लीजिएगा। फाइन, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और आप हमें इन सभी सोशल मीडिया के थ्रू फॉलो कर सकते हैं। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, राइट। और गाइज, आपका दिसंबर एग्जामिनेशन जो कि जनवरी 2022 से कंडक्ट करवाया जाने वाला था, उसको पोस्टपोन किया गया है, तो उसके ऊपर भी बड़ा अपडेट है जो कि इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं इस टॉपिक पर डिस्कस कर लूं कि हम लोगों ने प्रोटेस्ट रखा था जस्टिस फॉर इग्नू स्टूडेंट्स 26 जनवरी को 5 PM से, ठीक है। तो गाइज, उस पर क्या एक्शन हुआ है वो मैं आपको बता। सो गाइज, फर्स्ट टाइम इग्नू स्टूडेंट्स की परेशानी को नेशनल मीडिया पे कवर किया गया है, जो कि है आपका timesnownews.com, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर इसे हाईलाइट किया गया है। इग्नू टर्म एंड एग्जामिनेशन दिसंबर 2021, स्टूडेंट्स आस्क फॉर ऑनलाइन एग्जाम, और यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़े बड़े अक्षरों में आपको दिख रहा होगा, इग्नू स्टूडेंट्स टुक टू सोशल मीडिया ट्रेंड जस्टिस फॉर इग्नू स्टूडेंट्स टू डिमांड फॉर ऑनलाइन और ब्लेंडेड एग्जाम। द स्टूडेंट्स आर आल्सो आस्किंग फॉर न्यू रिवाइज डेट सीट फॉर द टर्म एंड एग्जामिनेशन दिसंबर 2021 एग्जाम, एज फॉर द डिले मे हैम्पर विद देयर कैरियर पाथ्स। सो गाइज, आप लोगों की जो मांग है एग्जामिनेशन को लेकर के, वो मीडिया तक जा रही है। वहीं पे कितने स्टूडेंट्स ये कमेंट्स कर रहे हैं कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन तो होने से रहा, ओबीई भी नहीं होगा, सो इस पे अपना टाइम वेस्ट मत करो। तो गाइस, इससे पहले प्रमोशन भी नहीं होता था इग्नू में, 2 सालों से प्रमोशन मिलने लगा है। तो स्टूडेंट्स, जब तक स्टूडेंट्स इस चीज को हाईलाइट नहीं करेंगे, अपनी बातों को रखेंगे नहीं, तब तक तो एक्शन लिया ही नहीं जाएगा। जो प्रोटेस्ट हुआ उस पे भी एक्शन हुआ, नेशनल न्यूज पे आपकी बातें तो आई, इसके आगे भी एक्शन लिया जाएगा। और अगर आप हाथ पे हाथ डाल के बैठ जाओगे कि इग्नू तो कुछ करने वाली है नहीं, बिकॉज इग्नू ने अपने मीटिंग्स में ये क्लियर किया है कि हम ऑनलाइन एग्जामिनेशन नहीं लेंगे, जब लेंगे तो ऑफलाइन एग्जामिनेशन लेंगे, तो उनका काम है कहना और आपका काम है आपकी बातों को रखना। तो जब तक आप अपनी बातों को रखोगे नहीं, अपनी लड़ाई को लड़ोगे नहीं, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तो इस तरीके से गाइज, आप अपने प्रोटेस्ट जारी रखिए, बिकॉज एग्जामिनेशन के ऊपर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है, जब से एग्जामिनेशन पोस्टपोन किया गया है। फाइन, इसके कारण तो स्टूडेंट्स का बहुत ज्यादा लॉस जा रहा है, डिले हो रहा है। इसे तो बेहतर होगा कि ओबीई या फिर ऑनलाइन मोड, किसी भी मोड में इग्नू एग्जामिनेशन लेके निपटा दे, स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट ना करे। और यहाँ पर बहुत क्लियरली स्टूडेंट्स के की पॉइंट्स को रखा गया है, जो कि आप यहाँ पर हाइलाइट्स में देख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट में, इग्नू स्टूडेंट्स टुक टू सोशल मीडिया टू ट्रेंड हैशटैग जस्टिस फॉर इग्नू स्टूडेंट्स, और यहाँ पर मेंशन किया गया है कि स्टूडेंट्स की मेन डिमांड क्या है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि द मेन डिमांड्स आर टू कंडक्ट द एग्जाम्स ऑनलाइन और इन ब्लेंडेड मैनर एंड टू रिलीज द डेट्स फॉर इग्नू टर्म एंड एग्जामिनेशन दिसंबर 2021। फाइन, और नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है कि इग्नू टर्म एंड एग्जामिनेशन दिसंबर 2021 वाज शेड्यूल्ड फ्रॉम January 22 to February 23, 2022, बट वेयर पोस्टपोन्ड अंटिल फर्दर नोटिस। सो गाइज, देखा आप लोगों ने किस तरीके से आपकी आवाज आगे तक जा रही है। सो गाइज, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, तो इसलिए आप लोग अपने प्रोटेस्ट को जारी रखें, अपनी लड़ाई को जारी रखें, एक्शन इस पे जरूर लिया जाएगा। फाइन, बढ़ते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन की ओर, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, जो कि नोटिफिकेशन है आपका डिफिकल्टी इन री रजिस्ट्रेशन। गाइज, इस चीज को लेकर के स्टूडेंट्स काफी ज्यादा पैनिक हो रहे थे, वो कंटिन्यू इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, कमेंट बॉक्स में कंटिन्यू इस मैसेज को टाइप कर रहे थे कि उन्हें ओटीपी रिसीव नहीं हो रहा है, काफी इशू हो रहा था, बिकॉज ये स्टूडेंट्स की साल की सवाल है, बिकॉज आप जब तक री रजिस्ट्रेशन नहीं करते हो, तब तक आप नेक्स्ट ईयर या फिर नेक्स्ट सेमेस्टर में नहीं जा पाते हो। फाइन, जो कि फाइनली अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया गया है, बिकॉज मैंने पिछले वीडियो में भी इस प्रॉब्लम को रखा था और मैंने बताया था कि आपको एसआरडी को मेल करना होगा, बिकॉज वहीं से ही इसको ठीक किया जाएगा। तो फाइनली काफी स्टूडेंट्स ने ईमेल भी करा, तो फाइनली अब जाके इसे रिसॉल्व कर दिया गया है, स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। अब आपका 31st of January लास्ट डेट है री रजिस्ट्रेशन करने का, तो जल्दी से जल्दी आप अब कर लीजिए, बिकॉज आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। अब आप री रजिस्ट्रेशन करने के लिए उससे पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपका ओटीपी आपको रिसीव हो जाएगा ईमेल पे। फाइन गाइस, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको बताया गया है कि दिस इशू हैज बीन रिजॉल्व एंड नाउ ओटीपी इज बीइंग सक्सेसफुली सेंड थ्रू ईमेल, ओटीपी थ्रू मोबाइल इज बीइंग टेस्टेड एंड शैल बी एक्टिव शॉर्टली। मींस जो ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर आ रहा था टेक्स्ट मैसेज के थ्रू, उसे टेस्ट किया जा रहा था, उसे जल्दी ही एक्टिव कर दिया जाएगा,
बट फिलहाल जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसपे आपको ईमेल के थ्रू आपको ओटीपी रिसीव होगा। फाइन। और गाइस इस बात को जरूर ध्यान में रख ले कि यहाँ पर यह बताया गया है कि हो सकता है कि स्टूडेंट्स का ईमेल या फिर मोबाइल नंबर इग्नू के पास गलत रिकॉर्ड होगा या फिर स्टूडेंट ने उस मोबाइल नंबर या ईमेल को अभी एक्टिव नहीं रखा होगा, तो इसके कारण आपको डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी। इसके लिए आप इस नंबर पर कॉल करवा के आप अपने अकाउंट को अपडेट करवा ले, रीसेटिंग करवा ले, आप अपने ईमेल आईडी वगैरह जो फोन नंबर होगा उसे चेंज करवा ले। फाइन। या फिर आप इस ईमेल पर ईमेल कर सकते हैं rcsiliguri@ignu.ac.in बिकॉज ये नोटिफिकेशन सिलीगुड़ी रीजनल सेंटर की तरफ से अपडेट किया गया है। बट जो भी अदर आरसी के भी स्टूडेंट्स होंगे तो सभी के लिए ये नोटिफिकेशन है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा चुका है, सभी स्टूडेंट अब री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, सक्सेसफुली आपका हो जाएगा, जल्दी कर ले बिकॉज आपका टाइम ज्यादा नहीं रहा। फाइन। और गाइस बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो कि एग्जामिनेशन सेंटर को चेंज करने की बात कर रहे हैं या फिर एग्जामिनेशन फॉर्म रीओपन होने की, तो उस पे हम लोग लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी स्टूडेंट्स जिनका कोर्स कोड BNS031 BNS032 है, देन उन सभी स्टूडेंट्स का ऑनलाइन काउंसलिंग शेड्यूल है जिनका प्रोग्राम DCCN है, थ्योरी का। फाइन। आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस शेड्यूल DCCN थ्योरी, जो कि आपका डेट है 1 फरवरी से आपका ये जो ये स्टार्ट होगा क्लासेस, तो लास्ट आपका कब तक चलेगा 16 फरवरी 2022 तक। फाइन। और गाइस मैं आपको बता दूं कि ये बीजापुर रीजनल सेंटर की तरफ से अपडेट किया गया है, तो जितने भी स्टूडेंट बीजापुर रीजनल सेंटर के हो सभी स्टूडेंट्स इस शेड्यूल को नोट डाउन कर लेंगे। डेट यहाँ पर दिया गया है, कंटेंट्स आपको यहाँ पर दे दिया गया कि कब किस ब्लॉक को कवर किया जाएगा, सब यहाँ पर बताया गया है। नेम ऑफ काउंसलर आपके कौन होंगे वो भी मेंशन किया गया है और गूगल मीट लिंक के थ्रू आपके क्लासेस होंगे जिसका लिंक आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया गया है। तो सभी स्टूडेंट जिनका ये कोर्स कोड है इस लिस्ट में देख ले और आप अपना टाइमिंग कोड नोट डाउन कर ले। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फाइन। और गाइस जो स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन फॉर्म रीओपन होने की बात कर रहे हैं तो उन्हें मैं बता दूं, जैसा कि आपका एग्जामिनेशन अभी पोस्टपोन किया गया है, तो जब भी अगर आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट किया जाएगा देन उससे पहले चांसेस है कि फॉर्म फिलअप करने का भी मौका दिया जाए बिकॉज एग्जामिनेशन को पोस्टपोन किया गया है। और जो स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन सेंटर चेंज करने की बात कर रहे हैं तो अगर फॉर्म फिलअप करने का मौका फिर से दिया गया देन एग्जामिनेशन सेंटर चेंज करने का भी मौका एक दिन का जरूर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग नोटिफिकेशन का वेट कर लीजिए, जब भी नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगी, तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। फाइन। तो गाइस यही सब था आज का आपका नोटिफिकेशन जो कि आपके लिए जाना जरूरी था। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, सभी स्टूडेंट के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। फाइन। तो थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।